पनिशमेंट देने की प्रथा तो युगों युगों से चली आ रही है, जहां दोषी को अपने कर्मों के हिसाब से दंड दिया जाता है। और दंड देना जरूरी भी है, इससे इंसान को अपने गलतियों की एहसास होती है। इसीलिए जब भी हम गलती करते हैं तो हमें पेरेंट्स से पनिशमेंट मिलती है, और होमवर्क ना करने पर टीचर से पनिशमेंट मिलती है। खैर, इन सबको साइड में रखते हुए आज के वीडियो के टॉपिक पे बात करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही खौफनाक और दिल को दहला देने वाले पनिशमेंट के बारे में, जो आपको पूरी तरह अंदर से हिला सकता है और एक बार आपको ये सोचने पर मजबूर भी कर सकता है कि आप कितने खुशकिस्मत हो कि आप 21st सेंचुरी में पैदा हुए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर इस वीडियो को छोटे बच्चे और कमज़ोर दिल वाले लोग देख रहे हैं तो मैं उन्हें स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि आप इस वीडियो से दूर रहें, और अगर आप फिर भी इस वीडियो को देखते हैं तो अपने रिस्क में ही देखिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसे मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डेथ फ्रॉम बॉइलिंग, इससे आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि इस पनिशमेंट में दोषी के हाथ पांव बांध कर उसे खौलते पानी या तेल में उबाल दिया जाता था, और उसे तब तक उसमें रखा जाता था जब तक वो तड़प तड़प के मर ना जाए। ये पनिशमेंट रोमन सम्राट के शासनकाल के दौरान यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में दोषियों को दिया जाता था। इस पनिशमेंट में बस 2 से 3 मिनट के अंदर ही इंसान अपना दम तोड़ देता था। किसी को जहर दे के मार देना, अपने पति या पत्नी की हत्या कर देना, या अपने गुरुओं को मार देना, ऐसे लोगों को ये पनिशमेंट दिया जाता था। अगर ये नज़ारा आपके आंखों के सामने हो तो आप क्या फील करेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। द रैक, इससे बुरा और ख़तरनाक मौत और कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें एक रोलर होता था जिसके ऊपर दोषी को लेटा दिया जाता था, और उसके दोनों हाथ और पैर को रोलर के दोनों सिरों पर बांध दिया जाता था, और उसके पूरे शरीर को दोनों तरफ से खींचा जाता था, और ये प्रक्रिया बड़े धीरे धीरे किया जाता ताकि विक्टिम को और भी ज़्यादा दर्द महसूस हो। कुछ देर बाद उसके शरीर पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने के वजह से उसके मांसपेशियां फटने लगते थे और हड्डियों की जोड़ टूटने लगती, और ये सिलसिला तब तक चलता जब तक उसके हाथ और पैर शरीर से अलग ना हो जाए। अधिकतर लोग दर्द से ही मर जाते थे। इस पनिशमेंट को यूनानियों द्वारा अत्याचार करने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसका प्रयोग रशिया और ब्रिटेन जैसे कई देशों ने भी किया है। द ब्राज़न बुल, ये भी इतिहास के सबसे खौफनाक पनिशमेंट में से एक हुआ करता था। इस पनिशमेंट के दोषी को एक बड़े से बैल के आकार के डिवाइस में डाल दिया जाता था, जो कि पूरी तरह मेटल से बना हुआ होता, और उसके नीचे आग लगा दिया जाता था। जैसे जैसे आग के तापमान से मेटल गर्म होने लगता, अंदर फंसा हुआ इंसान गर्मी और दर्द से चीखने लगता, और ये सिलसिला तब तक चलता जब तक विक्टिम अंदर ही जल ना जाए। अर्बन लेजेंड्स की माने तो इस ब्राज़न बुल को एक वास्तविक बैल के रूप और आकार में डिज़ाइन किया गया था। इसे खास करके राजद्रोही और क्राइम्स करने वाले लोगों के लिए बनवाया गया था। इम्प्लीमेंट, इस पनिशमेंट को सुनकर आपका भी कलेजा सूख सकता है। इस पनिशमेंट में दोषी के हाथों को बांधकर एक नोकीले पोल पर बैठा दिया जाता था।
दोषी को कुछ इस तरीके से बैठाया जाता कि जिससे वो पोल की नोक उसके शरीर को नीचे से चीरते हुए मुंह को आर पार कर जाए। ये इतना दर्दनाक होता था कि देखने वालों की रूह भी कांप जाए। उन नुकीले पोल्स की आकार भी काफी बड़ी हुआ करती थी, इसीलिए सैनिक हाथी का उपयोग किया करते थे और विक्टिम को उस नुकीले पोल पर बैठा देते थे। और जब वो पोल विक्टिम को पूरा चीर जाता, दर्द से विक्टिम चीखने लगता था और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती। खास करके ये चोरी, डकैती, रूल्स तोड़ने और देशद्रोह करने वाले लोगों को दिया जाता था। अब जिस पनिशमेंट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वो सारे पनिशमेंट से भी खतरनाक है। डेथ बाय सॉविंग। इस पनिशमेंट में गुनहगारों के दोनों हाथों को बांध कर उन्हें उल्टा टांग दिया जाता था, फिर एक धार और बड़ी आरी से उनके शरीर को धीरे धीरे काटते हुए पेट से सर तक लिया जाता और पूरे शरीर को दो हिस्सों में काट दिया जाता था। हमें सिर्फ एक हल्की सी खरोंच आने पर हम चीख चीख कर रोते हैं, बट कैन यू इमेजिन द सिनेरियो, कितना खौफनाक होता होगा। एंशियंट काल के शासक बहुत ही निर्दयी हुआ करते थे, एंड थैंक गॉड दैट वी लिव इन 21st सेंचुरी। तो खैर, आपका इसमें क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और ऐसे ही हॉन्टेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस मिस ना करें।